d'autres résidents comprennent. First, acidity of alkali. Acidity of alkali. Vazan HCl hai. Chlorine chi 3, hydrogen chi 2.1. Kona chi jasta hai? 3. Barabar chlorine chi. Ki mota asto no dhun peksha. Thik hai? Simul sangu? Thik hai? So, मग याची जास्त आहे म्हणून या बॉन्डचे इलेक्ट्रॉन ह्याच्यावर जातात म्हणून याच्यावर निगेटिव्ह येतो आणि याच्यावर पॉझिटिव्ह याच्यावर जाईल त्याच्यावर निगेटिव्ह ज्याच्यावर नाही गेला त्याच्यावर पॉझिटिव्ह आणि जो एच पॉझिटिव्ह देतो त्याला म्हणायचं ऍसिड हॅज अ टेंडन्सी टू डोनेट एच पॉझिटिव्ह आय बरोबर ऍसिडची टेंडन्सी असते काय डोनेट करायची एच पॉझिटिव्ह आय ठीक आहे मग ऍज द ऍसिड हॅज अ टेंडन्सी टू डोनेट H पॉजिटिव आय तुम्ही निकाल दूंगा बाहर ठीक है हाँ तो जो भी है एसिडिटी ऑफ अल्काइन तो एसिडिटी ऑफ अल्काइन क्या है तो अल्काइन एसिड म्हणजे काय जो काय डोनेट करू शकतो H पॉजिटिव त्याला काय म्हणायचं एसिड वन्स मोर जो काय डोनेट करू शकतो H पॉजिटिव त्याला काय म्हणायचं ऍसिड तो ऍसिड हॅज अ टेंडन्सी टू डोनेट H पॉझिटिव्ह आयन वन्स मोर ऍसिड हॅज अ टेंडन्सी टू डोनेट H पॉझिटिव्ह आयन विंडो ओपन करू ठीक आहे ऍसिड हॅज अ टेंडन्सी टू डोनेट H पॉझिटिव्ह आयन नाउ ऍज द ऍसिड हॅज अ टेंडन्सी टू डोनेट H पॉझिटिव्ह आयन अभी ऍसिड का टेंडन्सी है बच्चों क्या डोनेट करने का H पॉझिटिव्ह आयन डोनेट करने का अब हम आगे देखेंगे as the acid has a tendency to donate H positive ion तो ये अल्काइन है अल्काइन और अल्काइन में ये जो कार्बन होता है इस कार्बन में अगर हम देखेंगे तो ये वाला जो कार्बन है इसमें ट्रिपल बॉन्ड में एक बॉन्ड रहता है सिग्मा और दो रहते हैं पाई बताओ कितने सिग्मा रहते हैं एक ठीक है और पाई रहते हैं दो और ये सिंगल बॉन्ड है इसको बोलना है सिग्मा बॉन्ड कौन सा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड बराबर अब गिनेंगे तो सिग्मा कितने हो गए दो और दो सिग्मा है तो दो ऑर्बिटल लेना ठीक है एस में एक ऑर्बिटल रहती है और पी में तीन तो कितनी हो गई एक और दो कितनी हो गई दो तो इसकी हाइब्रिडाइज स्टेट हो गई एसपी बना का एसपी वेरी गुड ठीक है बिल्डर बेटा होशियार है तुम्हें ठीक है एसपी अब हम एसपी देखेंगे तो एसपी में जो पी है वो सिर्फ एक है अगर मैं एसपी टू देखूं तो उसमें दो और एसपी थ्री देखेंगे तो उसमें तीन तो ये देखो तीन बड़े रहते दो बड़े रहता का एक बड़ा रहता तीन तो इसमें एक सबसे छोटा है तो पी छोटा है और पी अगर छोटा है तो उसकी लेंथ मतलब इसकी जो लेंथ है पी क्या देता है उसको लेंथ तो इसकी लेंथ कम है और इसकी लेंथ कम होने की वजह से ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ज्यादा किसके तरफ जाएंगे कार्बन और इसीलिए जिसके तरफ ज्यादा जाएंगे इसीलिए इस शेयर्ड पेयर को खुद के तरफ अट्रैक्ट करने की उसकी टेंडेंसी को कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेटर तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज्यादा है और इसकी कम है बराबर तो कंपैरेटिवली जो sp हाइब्रिडाइज कार्बन रहता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा रहती है मतलब s2.5 से भी ज्यादा और इसीलिए इजीली ये बॉन्ड टूटता है और इजीली यहाँ से ये बॉन्ड अगर टूटा तो ये बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर जाएंगे और हाइड्रोजन के ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज और जो H पॉजिटिव देता है उसको क्या कहना है एसिड डू यू अंडरस्टैंड तो इसीलिए अल्काइन क्या करके एक्ट हो सकते हैं एसिड एंड देन आई ट्रीट इट विद AlNH2 जब हम इसको ट्रीट करेंगे किसके साथ ट्रीट करेंगे AlNH2 तो लिथियम मेटल है और इसका एटॉमिक नंबर है बच्चों 3 शॉर्टकट में होता है 2 1 बाहर में कितना इलेक्ट्रॉन है 1 टू डोनेट इट हैज अ टेंडेंसी टू डोनेट 1 इलेक्ट्रॉन ये 1 इलेक्ट्रॉन देगा इसके ऊपर पॉजिटिव इसके ऊपर नेगेटिव एंड वी हैव द कांसेप्ट पॉजिटिव नेगेटिव अब क्या होगा जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो इसके ऊपर आएगा बच्चों कौन सा चार्ज पॉजिटिव चार्ज और इसके ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज बराबर और ये हो गए आयंस
और अभी अभी हमने देखा इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, तो इसके ऊपर आएगा कौन सा चार्ज? नेगेटिव चार्ज। इसके ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन। H पॉजिटिव कंबाइंड भी H2 नेगेटिव एंड C नेगेटिव कंबाइंड भी Li पॉजिटिव, और इस तरह इनके बीच में बॉन्ड बनेगा CH3C ट्रिपल बॉन्ड C, और इसको लगेगा Li प्लस देयर इज रिमूवल ऑफ NH3 दैट इज अमोनिया। दिस रिएक्शन इंडिकेट there is removal of H positive from alkyne. So this reaction indicates the acidity of alkyne. This reaction indicates the acidity of alkyne. And so we can say alkynes are acidic in nature. Why alkynes are acidic in nature? Do you understand? So keep in your mind, alkynes are acidic in nature. Okay? अल्काइन्स आर एसिडिक इन नेचर, और इसमें तीन कार्बन है, तो तीन कार्बन है तो प्रोपाइनिल, उसमें क्या ई निकालेंगे और क्या लगाएंगे वायर, सो दिस इज प्रोपाइनिल लिथियम। क्या नाम है इसका? प्रोपाइनिल लिथियम। कीप इन योर माइंड इट्स नेम इज अ प्रोपाइनिल लिथियम। ठीक है, क्या नाम है इसका? प्रोपाइनिल लिथियम। Its name is a propionyl lithium. Okay, so this is the ethyne or propyne. This is propyne, and this is NiNH2. You get the propionyl lithium. This is the acidity of alkyne. Okay, so these alkynes are more acidic. This is propionyl lithium we can have. Next, after having this propionyl lithium. अब हम थोड़े आगे चलेंगे, यहाँ तक क्लियर है? किसी को कोई प्रॉब्लम? चलो आगे। सो दिस इज द प्रोपाइनिल लिथियम। अभी ये रिएक्शन करती है इसका कौन सा नेचर? एसिडिक नेचर। ठीक है, अब इसमें हमने ऑलरेडी रिएक्शन देखी है, अगर हमें इसका कन्वर्शन कैसे करना है, इफ यू वांट टू कन्वर्ट इट इनटू अगेन हायर अल्काइन, तो वी कैन कन्वर्ट बाय जस्ट मेकिंग इट्स रिएक्शन विद अल्किल एलाइन। अल्किल मतलब उसको रिप्रेजेंट करते हैं R से, और हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करते हैं X से, और अलग अलग हाइड्रोजन है बच्चों बेटा, बताओ क्या क्या नाम है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, बराबर। तो अल्किल एलाइड के साथ रिएक्शन करते हैं हम, उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें मैं और एक एग्जाम्पल आपको देना चाहूंगा कि एसिडिटी, एसिडिटी किसकी सबसे ज्यादा रहेगी? क्या ज्यादा रहेगी बच्चों? एसिडिटी। एसिडिटी में देखो, मैंने अभी बताया कि जो कार्बन होता है, जो ट्रिपल बॉन्डेड वाला कार्बन होता है, उसकी जो हाइब्रिडाइज स्टेट होती है sp, और इसमें p सबसे कम है, तो उसकी लेंथ कम है, इसलिए वो शेड पेयर को अपने तरफ अच्छे से अट्रैक्ट कर सकता है, और इसीलिए इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कैसी होती है? सबसे ज्यादा। लेकिन उसके बाद वाला ये कार्बन अगर हम देखेंगे तो डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक रहता है पाई, सिंगल सिग्मा, कितने सिग्मा हो गए? तीन। तीन हो गए तो एक एस और दो पी, इसकी हाइब्रिडाइज स्टेट क्या होती है बताओ? sp2, बराबर। और एक जो होता है थर्ड, इसमें कितने बॉन्ड होते हैं? चार। अब चार बॉन्ड होते हैं, अब सिंगल बॉन्ड इधर सिग्मा बॉन्ड, कितने सिग्मा बने इधर? चार। चार है तो चार है ना, तो एक एस और तीन पी, तो तीन एक और तीन कितने हो गए? चार। पढ़ो इसको, कौन सी हाइब्रिडाइज स्टेट हो गई? sp3, बराबर। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो ये sp है, sp2 है, sp3 है, बराबर। अब इसमें तीन ज्यादा है तो इसकी लेंथ ज्यादा है, और लेंथ ज्यादा है इसलिए शेड पेयर को ज्यादा अपने तरफ अट्रैक्ट नहीं कर सकता, और इसीलिए ये है उसका किसका ऑर्डर? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर। और इसीलिए आप ध्यान में रखेंगे एसिडिटी को, किसकी एसिडिटी ज्यादा रहेगी फिर? किसकी? देखो, जो इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करेगा वो जल्दी वहां से किसको निकाल देगा? एच पॉजिटिव को। और जो वहां से जल्दी एच पॉजिटिव को निकाल देगा, हटा देगा, उसकी एसिडिटी सबसे ज्यादा। और इसीलिए sp मतलब कौन है? ये कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड को हम कहते हैं अल्काइन। क्या कहते हैं? अल्काइन। तो अल्काइन की एसिडिटी सबसे ज्यादा, और उससे कम होता है दूसरा, उसको कहते हैं हम अल्कीन। और सिंगल बॉन्ड होता है तो सिंगल बॉन्ड को क्या कहते हैं?
हल्के, तो बताओ सबसे ज्यादा एसिडिटी किसकी? अल्काइन, उससे कम हल्की, उससे कम हल्के, तो दिस इज द एसिडिटी ऑर्डर, तो कीप इन योर माइंड, व्हिच हाइड्रोजन्स आर मोर एसिडिक? अल्काइन, बना का है अल्काइन, उससे कम वाला जो होता है वो कौन होता है? अल्कीन, बना का है अल्कीन, वेरी गुड, ठीक है, तो थर्ड वाला जो होता है वो सिंगल बॉन्ड वाला होता है बच्चों, और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड जिसमें होता है उस कंपाउंड को हम कहते हैं अल्केन, क्या कहते हैं बच्चों? अल्केन, तो ये हो गया, तो दिस इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, ठीक है, एंड दिस इज द फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्काइन वी हैव सीन, दैट इज द एसिडिटी ऑफ अल्काइन, एसिडिटी ऑफ अल्काइन, हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन, हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन, और एक्शन ऑफ H2O in the presence of 1% HgSO4 and 40% H2SO4. ठीक है? 1% HgSO4 plus 40% H2SO4. Water. ठीक है? Water add करना है in the presence of 1% HgSO4 and 40% H2SO4. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लेकिन दर्द मत रखना, मैं बता ले जाऊंगा हर बार, ठीक है, अब सिर्फ पढ़ते जाना इंग्लिश में, ठीक है, सो तो मतलब ये 50 से ज्यादा बार आएंगी, लेकिन मैं हर बार बताऊंगा, ठीक है, आप पीछे मत करना, ठीक है, सो ये रिएक्शन है 1% HgSO4 40% H2SO4, ठीक है, सो अब देखेंगे यहाँ पे अल्काइन क्या करता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, ठीक है, वेरी 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 इम्पोर्टेंट, लेकिन लर्न नहीं करना, लर्न मत करना, लर्न मत करना, ठीक है, वेरी इम्पोर्टेंट, इसलिए लर्न मत करना, ठीक है, सो तो ध्यान मत रखना, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, लर्न मत करना, ठीक है, ध्यान में मत रखना, ठीक है, लिख लो ऐसा कुछ उधर, तो बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए लर्न मत करना, ठीक है, तो हो गया, तो सर अभी अल्काइन है बच्चों, आई एम जस्ट टेकिंग योर अल्काइन, ठीक है, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, दिस इज द कार्बन तीन है, और यहाँ पे नंबरिंग इधर से शुरू करेंगे, तीन कार्बन वाला जो होता है उसको प्रोब कहते हैं, क्या कहते हैं? प्रोब, और ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन वन है, और अल्काइन इसलिए बाइंड करेंगे, बोलो बच्चों क्या नाम? प्रोपाइल, बेल्डर, ठीक है, तो इट इज प्रोपाइल, और इसमें हमें डालना है वाटर, और इन द प्रेजेंस ऑफ 1% HgSO4 एंड 40% H2SO4 के प्रेजेंस में इधर वाटर ऐड करना है, बराबर, हमने एक रिएक्शन पढ़ी थी, ये H2SO4, इसको कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, और अभी अभी हमने देखा है कि जो एसिड होते हैं वो क्या करते हैं बच्चों? H पॉजिटिव डोनेट करते हैं, क्या करते हैं बोलो? H पॉजिटिव डोनेट करते हैं, बराबर, और इसीलिए ये भी सल्फ्यूरिक एसिड है, क्या है? ये भी सल्फ्यूरिक एसिड है, बराबर, तो ये भी क्या डोनेट करता है? H पॉजिटिव, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसलिए ये रिएक्शन को क्या करता है? मदद करता है, हमने अगर आपको याद है तो एक रिएक्शन हमने पढ़ी थी,
हाइड्रेशन एस्प्रेसो बोर्ड के प्रेजेंस में, लेकिन बताओ क्या लिखते दूं क्या? तो उसमें तो वो रिएक्शन में हमने देखा था कि ये H2SO4 स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट इससे जल्दी टूटता है और जल्दी H पॉजिटिव देता है, फिर वाटर बाद में टूटता है, ठीक है। अब इसमें 40% ही इसने लिया, 40% मतलब 100 ml का फ्लास्क किया, उसमें 40 ml प्योर H2SO4 और 60 ml डिस्टिल वाटर, इन दोनों का मिक्सचर ले लिया है, और 1% HgSO4 का मतलब 1 ml सिर्फ HgSO4 यानी 99 ml वाटर, बरोबर असं घेऊन ते आपण बनवलेलं आहे, बरोबर। आता काय झालं, तो ये सब बनाया हुआ है हमने अच्छे से मस्त, ठीक है। ये क्या करता है, इसमें वाटर ज्यादा नहीं ऐड होने देंगे, इसलिए हमने सिर्फ 40% एस्प्रेसो पर यूज किया, वाटर ज्यादा ऐड नहीं होने देंगे। क्यों नहीं होने देंगे मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। और इसमें जीएसओ पर का भी वो रोल है जिसको हम कैटालिटिक पॉइजन कहते हैं, ठीक है, मतलब जो रिएक्शन को होने से रोकता है उसको कैटालिटिक पॉइजन कहते हैं, ठीक है। सो जैसे बच्चे होते हैं जो क्या करते हैं, स्पीड बढ़ने से क्या करते हैं, रोकते हैं, बराबर, और सब कुछ भी उठता तिरता बता देते हैं, फिर टीचर को बड़ी खुशी होती है कि यार बढ़िया तुम इतने बढ़िया कॉन्सेप्ट बता रहा हो, तुम मस्त तो उसका बैंड बजा रहे, ठीक है। फिर जो चीज आधे घंटे में होनी चाहिए उसको 1.5 घंटा लग जाता है, 5 मिनट की चीज को 20 मिनट लग जाते हैं। तो ऐसे बच्चे क्या करते हैं, क्या क्या रोल प्ले करते हैं, कैटालिटिक पॉइजन, क्या कैटालिटिक पॉइजन, डू यू अंडरस्टैंड, तो ध्यान में रखेंगे कैटालिटिक पॉइजन, ठीक है। तो दिस इज एक्ट्स एज अ बीच पॉइजन, कैटालिटिक पॉइजन, समझ गए, तो ये कैटालिटिक पॉइजन है जो ज्यादा रिएक्शन होने नहीं देता। अब क्या होता है, अब ये पानी है, ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन की बच्चों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 3.5, बोलो कितनी है, 3.5, वेरी गुड। और ये हाइड्रोजन की बोलो कितनी है, 2.1, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। अब इसकी इसमें देखो 3.5 बड़े है कि 2.1 बड़े है, 3.5 बड़े है, बराबर। इससे इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन किसके ऊपर जाएंगे, ऑक्सीजन के ऊपर, और जिसके ऊपर जाता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, और जिसके ऊपर नहीं जाता उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, बराबर। और जिनके ऊपर चार्ज होते हैं ना उनको कहते हैं आयंस, क्या कहते हैं, आयंस। और इस तरह की जो ब्रेकिंग हुई जिसमें दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एटम की तरफ चले गए, ऐसे ब्रेकिंग को हम कहते हैं हेटेरोलिटिक फिजन, वेरी गुड बच्चों। और जब हेटेरोलिटिक फिजन होता है और जब आने वाले आयंस होते हैं तो इस मॉलिक्यूल का भी कौन सा फिजन होता है, हेटेरोलिटिक फिजन, ठीक है। देन इनकमिंग आर आयंस, तो मॉलिक्यूल अंडरगो हेटेरोलिटिक फिजन, कौन सा फिजन बच्चों, हेटेरोलिटिक फिजन, डू यू अंडरस्टैंड, तो ठीक है, तो हेटेरोलिटिक फिजन, ठीक है। इस तरीके से पढ़ाना, आपके दिमाग को इतना सा टेंशन नहीं, कुछ टेंशन नहीं, बस तो पूरा मैं बता दे जाऊंगा, ठीक है, तुम्हारा दिमाग ऐसा वो बन जाएगा, हिंदी में क्या बोलते हैं, नहीं नहीं और उधर गांव का शब्द है, ठीक है, दिमाग का, हाँ नहीं नहीं हो रहे हो बस वो गैया मैया का हो रहे था ना, ठीक है ठीक है, तो वो बन जाएगा दिमाग, ठीक है, ये काम ही नहीं ना उसको कुछ, ठीक है, हाँ तो बराबर। तो ये क्या बन गए, आयंस, ठीक है, और ध्यान में रखो दूंगी, ठीक है, ये लास्ट चांस, इसके बाद अगर तुम्हारा कोई कॉन्सेप्ट अगर गलत हुआ तुम्हारा, एटलीस्ट 80% या 50-60% बच्चों का मेरे चाहिए लर्न, ठीक है, रोज के लिखना, पूरे कॉन्सेप्ट लिखो कल दो बार, पूरे कॉन्सेप्ट जितने हुए सब, ये कितने लोग लिख के लाएंगे, कि पढ़ा हुआ ऐसे ही पढ़ा था ना, तुमको टेंशन नहीं और मेरे को भी टेंशन नहीं, काय को आता हूँ दिमाग खराब करने का, एक्सपेक्टेशन किसी से एक्सपेक्टेशन ही नहीं रखी तो अपना दिमाग ही खराब नहीं होता, क्या को एक्सपेक्टेशन रखना, बनाओ तुम्हारे दिमाग का, ठीक है, बोलने को लगा था क्या, इतना कॉन्सेप्ट पढ़ा है ये, बिल्कुल बिल्कुल तुम 10 कॉन्सेप्ट बुक बनाएंगे, कितने 10, ठीक है, तुमको स्पेशल, ठीक है, रातों के भूत रातों से नहीं मानते बोलते ना, इसको बोलते, ठीक है, तुम कितने कॉन्सेप्ट बुक बनाएंगे, 10,
बराबर ध्यान में रखना। और जैसे भी कोई कॉन्सेप्ट बना पहले कॉन्सेप्ट बुक में लिखना, ठीक है, फिर 8 दिन के बाद दूसरे कॉन्सेप्ट बुक में, फिर 8 दिन के बाद तीसरे कॉन्सेप्ट बुक में, 8 दिन के बाद चौथे, ऐसा तुम्हारा चालू रहेगा वो 10 कॉन्सेप्ट बुक ऐसे पढ़ते रहते जाएंगे, ठीक है बस। और ये जो ब्रेक ब्रेक का टाइम रहता ना, मैं आने के पहले टाइम रहता, दूसरे टीचर आने के पहले, बिल्कुल वो बैच में बैठ के बिल्कुल वो कॉन्सेप्ट बुक कंप्लीट करते जाओ, कॉन्सेप्ट को रिवाइज करते जाओ, नहीं तो बस ये है तू, ठीक है ध्यान में रखो, ऐसे ही पढ़ाऊंगा पागल हो जाऊंगी तू, ठीक है ध्यान में रखो, ठीक है बेटा चुकोगे तुम्हें कॉन्सेप्ट लक्षा देवा, मजाक समझता का कॉन्सेप्ट बन गया शिकूगा ऐसा हम ध्यान ना पूरे लान में पूरे हो है तुझे खाना खाली से पूरे हो है शिकूगा शिकू रे जो रे शिकू ऐसे शिकू नहीं शिकू तो ऐसे रे जो ऐसे नहीं शिकू तो कॉन्सेप्ट तुम्हारे कहीं मजा करा सकते हैं बंद मत पक्ष ते कॉन्सेप्ट नंतर वापरा सकते हैं एक कॉन्सेप्ट बन वाला उड़ा रहे बैठा गरज नहीं मग डायरेक्ट डायरेक्ट चला कॉन्सेप्ट ना होती कहीं कुछ तो सकते पता वाटर डिसोसिएट टू बम इनकमिंग आर इसको कितने हैं एक और इसको कितने हैं इसको कितने हाइड्रोजन लगे हैं जीरो किसको ज्यादा है फर्स्ट को कि सेकंड को फर्स्ट को ज्यादा सेकंड को कम तो निगेटिव किसको लगेगा फर्स्ट को कि सेकंड को हाँ सेकंड को कौन लगेगा सेकंड को निगेटिव मतलब कौन है निगेटिव OH निगेटिव किसको लगेगा सेकंड को तो इसमें बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसके तरफ शिफ्ट करो फर्स्ट और सेकंड के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा दोनों बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसके तरफ जा रहे फर्स्ट के ऊपर निगेटिव और सेकंड के ऊपर पॉजिटिव निगेटिव और बॉन्ड फॉर्मेशन OH निगेटिव कंबाइन विद सी पॉजिटिव सी निगेटिव कंबाइन विद एच पॉजिटिव प्रोडक्ट कैसे बनेगा जल्दी पास सी एच थ्री सी ओ एच डबल बॉन्ड सी एच और इधर भी एच ठीक है वी नो वेरी वेल अबाउट ऑक्सीजन ऑक्सीजन हैज लोन पेयर टू आयरन पेयर एंड व्हेन द लोन पेयर कैरिंग एटम इज डायरेक्टली अटैच्ड टू व्हिच कार्बन डबली बॉन्डेड कार्बन इट शोज रेजोनेंस It shows resonance and you know very well about the oxygen. Oxygen is constant. Donate its lone pair and carry positive charge. It becomes unstable. But everyone wants to become stable. To become stable. Oxygen have donated its lone pair. It will carry positive charge. And this carbon will carry negative charge. In positive.
डोनेट इट्स लोन बेयर टू द किसको दी कार्बन तो एक्सेप्ट इट फ्रॉम हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन ऑफ दिस बॉन्ड गेट शिफ्टेड ऑन ऑक्सीजन ऑक्सीजन गेट इट्स लोन बेयर इट्स पॉजिटिव चार्ज डिसअपीयर देयर इज रिमूवल ऑफ H positive combined with C negative positive negative attraction CH3 C double bond O और ये है CH2 यहाँ से निकला H positive और ये C negative combined to form CH3 you get this compound and is what acetone या कितने नाम है इसको this is CH3 this is CH3 how many methyl टू मिथिल सो इट्स नेम इज डाइमिथिल कीटोन क्या नाम है इसका डाइमिथिल कीटोन कीप इन योर माइंड इट्स नेम इज डाइमिथिल कीटोन और इट इज आल्सो कॉल्ड एसीटोन क्या कहेंगे इसको एसीटोन तो कीप इन योर माइंड इट इज डाइमिथिल कीटोन और वी कैन से इट इज द एसीटोन क्लियर सो दिस इज द डाइमिथिल कीटोन और वी कैन से इट इज द एसीटोन ठीक है ये बच्चों डाइमिथिल कीटोन या इसी को हम क्या कहेंगे एसीटोन ठीक है सो दिस इज एसीटोन और वी कैन से इट इज द डाइमिथिल कीटोन आफ्टर हैविंग दिस एसीटोन और डाइमिथिल कीटोन अब हम थोड़ा आगे चलेंगे यहां तक क्लियर है सब लोग सो अभी क्या करना है डायरेक्ट इसी रिएक्शन को मैं एक्सेप्ट कैसे लिख सकता हूं CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH और इसमें हमने वाटर ऐड कर दिया किसके ब्रेजेस पे रिएजेंट कल 10 बार लिखेंगे इसको कितने बार 10 बार बोलो क्या रिएजेंट 1% HgSO4 प्लस 40% H2SO4 क्या करना है इसमें दोनों पाई बॉन्ड तोड़ता है लिखो 1% H2SO HgSO4 40% H2SO4 1% HgSO4 40% H2SO4 1% HgSO4 40% H2SO4 1% HgSO4 40% H2SO4 दो पाई बॉन्ड तोड़ता है दो पाई बॉन्ड तोड़ता है और लेस कार्बन वाले को डबल बॉन्ड को लेस कार्बन वाले को डबल बॉन्ड को और मोर कार्बन वाले को दो हाइड्रोजन लगाता है लेस कार्बन वाले को डबल बॉन्ड को और मोर कार्बन वाले को दो हाइड्रोजन लगाता है लेस कार्बन वाले को डबल बॉन्ड ओ और मोर कार्बन वाले को दो हाइड्रोजन लगाता है ठीक है वंस मोर लेस कार्बन वाले को डबल बॉन्ड ओ और मोर कार्बन वाले को दो हाइड्रोजन लगाता है लेस कार्बन वाले को डबल बॉन्ड हो चलो बताओ अभी क्या करेगा लेस कार्बन वाला कौन है फर्स्ट की सेकंड सेकंड को क्या करना है सबसे पहले दो पाई बॉन्ड तोड़ना है तोड़ दिए और लेस कार्बन वाले को डबल बॉन्ड हो और मोर कार्बन मोर लेस हाइड्रोजन वाले को डबल बॉन्ड हो और मोर हाइड्रोजन वाले को दो हाइड्रोजन लगाता है मिल गया वही प्रोडक्ट चलो व्हाट इज द एक्शन ऑफ H2O इन द प्रेजेंस ऑफ 1% HgSO4 एंड 40% H2SO4 व्हाट इज द एक्शन ऑफ H2O इन द प्रेजेंस ऑफ
1% HgSO4 and 40% H2SO4. 1% HgSO4, 40% H2SO4 on probe 1 bind. पहला नंबर लिखो ब्यूट वन बाइन, सेकंड नंबर लिखो इथाइन। चलो कोई लगाएंगे दिमाग, ब्यूट वन बाइन में क्या बनेगा? हाँ क्या? इथिल मिथिल पिटोल। हाउ मेनी लीड्स? इथिल मिथिल पिटोल, वेरी गुड, क्लैप फॉर देम, वेल डन। और इथाइन में क्या करना है? कॉन्सेप्ट लगाना है बस, इथाइन का स्ट्रक्चर ड्रा करना है, कॉन्सेप्ट लगाना है। और दोनों हाइड्रोजन सेम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, एक को डबल बॉन्ड हो एक को दो हाइड्रोजन, कंपाउंड का नाम आना चाहिए सिर्फ। कभी हुई ना नॉमिनेशन की लिस्ट तुम्हारी शादी का भी उसमें? देखो पहला है ब्यूट वन बाइन, कितने कार्बन है? CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C, CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, ब्यूट वन बाइन है ना, बराबर है। ब्यूट वन बाइन क्या डाला? वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ 1% HgSO4 40% H2SO4 क्या करेगा? ये ऑक्सीजन किसको लगाना है? सेकंड को, डबल बॉन्ड तोड़ना है, इधर डबल बॉन्ड हो, इधर दो हाइड्रोजन, ब्यूटेन 2-1 और एसिटिलीन रहा तो डबल बॉन्ड एक हाइड्रोजन, ये हो गया सी डबल बॉन्ड एक वाला कंपाउंड कौन होता है? एल्डिहाइड। तो कितने कार्बन है इसमें? दो, दो कार्बन वाला अल्केन इथेन, एल्डिहाइड का इंपॉर्टेंट वर्ड अल, तो इथेन में का निकल के ई क्या लगाया? अल, क्या नाम हो गया? क्या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कल हमने देखा था, ये जो कार्बन है कोने बच्चों